योगी सरकार में इन दिनों सांस्कृतिक और पारंपरिक कल्चर की धूम है, जिसे देख मन प्रसन्न होता है। संभल में एसपी की मौजूदगी में आज थाने में ढोलक बजी और महिलाओं ने मंगल गीत का मौका था। जुनाबई में नए थाने के उद्घाटन का एसपी चक्रेश मिश्रा की मौजूदगी में पारंपरिक तरीके से पूजन हुआ। महिलाओं ने ढोलक बजाकर थाने के शुभारंभ मौके पर मंगल गीत गाए। गुन्नौर बीजेपी विधायक अजीत यादव ने फीता काटकर नए थाने का उद्घाटन किया। इस मौके पर एसपी चक्रेश मिश्रा ने आपके द्वारा सरकार की योगी सरकार की मंशा बताते हुए कहा कि आपको दूर न जाना पड़े, इसलिए नया थाना बनाया गया है। और क्या कहा एसपी ने, देखें इस रिपोर्ट में। झूठे मुकदमे लिखवाना, तो झूठे मुकदमे लिखवाने का जो प्रचलन है वो किसी के लिए अच्छा नहीं होता। पुलिस भी उसमें परेशान होती है, साथ में जिसके ऊपर झूठा मुकदमा लिखवाया जाता है उसे जेल जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, तो वो जीवन में परेशान होता है, उसका पैसा खर्च होता है, उसका समय बर्बाद होता है और उसकी एक समाज में एक छवि को भी नुकसान पहुंचता है। तो चलन है इस क्षेत्र का, जो सही बात है, जितनी सही घटना हुई है उसके बारे में सूचना वहां पे शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उसकी पहली रिक्वायरमेंट ये है कि झूठे मुकदमे लिखाना बंद होना चाहिए। झूठे मुकदमे जब आप लिखाते हैं तो सामने वाला भी फिर कोशिश करके कोई ना कोई तरह से आपको घेरने की कोशिश करता है, वो भी कोई छोटा झगड़ा है जो छोटी बात से खत्म होता पड़ता है। मैंने यहाँ पे कई सारे गांव देखे हैं जहाँ के मुकदमे लगते रहते हैं, वहां जाते रहते हैं और बच्चों की पढ़ाई और घर के विकास में जो पैसा खर्च होना चाहिए था वो कोर्ट कचहरी वकीलों के चक्कर में पैसा खर्च होता है। तो आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि इस तरह की जो प्रचलन है अपने गाँव में सबको दी, तो ये जो पुराने जमाने की और वो प्रचलन था कि भाई अपनी नाक के लिए मैं सामने वाले चाहे जमीन बिक जाए लेकिन हम सामने वाले को जेल भेज के रहेंगे, वो वाली जो मन की भावना है उसको धीरे धीरे आप लोग गंगा जी को तिलांजलि दे के उनके सामने समर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए इसको। तो ये नए थाने में यही अगर आप लोग प्रण कर लो तो ये थाना और यहाँ के क्षेत्र को बहुत फायदा होगा और ये सचमुच में भयमुक्त समाज की तरफ हम लोग चल पाएंगे। ये बातें मुझे दो बातें कहनी थी आप लोगों से। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोग अपने सारी पुलिस फोर्स है वो तैनात कर दी गई है, आज से यहाँ पर थाना चालू हो जाएगा। एक आज कोई अपराधी पकड़ा गया ना, कौन, तो एक आज शुभारंभ फीता, जैसे विधायक जी ने तो अच्छे काम के लिए फीता काटा, ऐसे हवालात का फीता काटने के लिए भी आज एक अपराधी आ गया, उसकी मदद करें। हम लोगों की जो मदद होगी वो हमारी तरफ से जो हो सकती है वो हम आपको लगातार करते रहेंगे, हमारा कर्तव्य है। एक अपना सीयूजी नंबर आप और बता दीजिए, सीयूजी नंबर जो है वो हमें यहाँ पे बाहर लिखा भी हुआ है और क्या है 94-54-29-55, ये यहाँ का नंबर रहेगा। यहाँ पर SHO पवन कुमार सिंह, अभी ये पहले से ही हम लोगों ने पोस्ट कर रखे थे, इन्होंने ये यहाँ पे तैयारी वगैरह पूरी करवाई, बाकी जो फोर्स है वो भी आ चुका है। आप लोग आज से इसको प्रारंभ है, इससे आप लोग जो भी समस्या इस क्षेत्र के लोगों की होगी वो यहाँ आएंगे, गुन्नौर नहीं जाएंगे। अगर कोई गलती से गुन्नौर चला भी जाता है तो हम उसको वहां से यहाँ भिजवा देंगे। तो ये बातें मुझे कहनी थी। और जुझारू जो कि हमेशा रात और दिन जनता की सेवा करते रहते हैं और किस प्रकार से लोगों को न्याय मिले, उनको सम्मान मिले, ऐसे हमारे अधीक्षक महोदय, ऐसे एडिशनल SP साहब उनके साथ आए हुए,